हेलो एवरीवन। तो भाई इस वीडियो में अब हम अपना चैप्टर करेंगे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो कि अगर आपको पता भी होगा ऑलरेडी कि इस चैप्टर में बेसिकली दो छोटी छोटी स्टोरीज हैं, जिसमें से एक स्टोरी लिखी है जितकला सा ने और एक स्टोरी लिखी है बामा ने। हम इन जो स्टोरीज को है दो वीडियोस में पढ़ेंगे और यार छोटी छोटी सी स्टोरीज है, पता भी नहीं चलेगा, आराम से हो जाएंगी। अब देखो, मैं चैप्टर पे आने से पहले यहाँ बिफोर यू रीड थोड़ा सा करना चाहता हूँ कवर, क्योंकि भाई ये कभी आता तो नहीं है क्वेश्चंस में, पर चैप्टर इस चैप्टर को स्पेशली समझने के लिए ये पढ़ना काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। दिस यूनिट प्रेजेंट ऑटोबायोग्राफी एपिसोड। ऑटोबायोग्राफी अगर आपको नहीं पता तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं आत्मकथा को, जो ऑथर खुद अपने बारे में लिखता है। फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज कौन सी होती है? पिछड़ी हुई जातियाँ, पिछड़े हुए कल्चर्स, जिन्हें हम कह देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई तुम अछूत हो, तुम पिछड़े हुए हो, तो ऐसे ही ये दोनों लड़कियाँ भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से बिलोंग करती थी। हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, जो अपने चाइल्डहुड पे लुक बैक करती हैं और अपने चाइल्डहुड की हमें यहाँ कहानियाँ बताती हैं, एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर। और वो हमें बताएंगी कि उनका रिलेशनशिप यानी उनका क्या एक्सपीरियंस था मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ। मतलब देखो, वो तो करती थी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को बिलोंग, अब वो बताएंगी कि भाई मेन स्ट्रीम कल्चर यानी कि जो नॉर्मल लोग थे, जो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, वो उन्हें कैसा ट्रीट करते थे और उनका उन लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप था। द फर्स्ट अकाउंट इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमेन बॉर्न इन द लेट 19th century। पहली जो कहानी है जो कि जितकला सा की है, वो नेटिव, वो एक अमेरिकन इंडियन वुमेन है। अमेरिकन इंडियन का क्या मतलब है भाई? पैदा तो वो अमेरिका में हुई थी, पर उनका जो कल्चर, मतलब जो उनके जो एंसेस्टर्स थे, जो उनकी पीढ़ियाँ थी ऊपर की, वो थी इंडियंस। तो पर वो पैदा भाई जितकला सा हुई थी अमेरिका में। द सेकेंड इज बाय अ कॉन्टेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर। और जो सेकेंड कहानी है बामा की, वो एक दलित राइटर थी, उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे भाई। अब आगे पढ़ते हुए जितकला सा की कहानी, गेट्रूड साइमंस बोनिस, बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, बॉर्न इन 1876, वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंटेड एंड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन। अब नेटिव अमेरिकन का क्या मतलब हुआ? नेटिव अमेरिकन का, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, नेटिव का क्या मतलब होता है? जब आप किसी जगह पे बॉर्न हुए हो और वहीं पे आप बड़े हुए हो, जैसे मैं नेटिव हूँ दिल्ली का, मैंने पहले भी वीडियोज में डिस्कस किया है। तो ये जो थी भाई, थी तो इंडियन, पर ये पैदा और बॉटअप जो हुई थी वो अमेरिका में ही हुई थी। हु स्ट्रगल्ड एंड ट्रायम्फ्ड इन अ टाइम वेयर सीवियर प्रिजुडिस प्रिवेल्ड टूवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन। तो भाई जितकला सा, जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर की लाइन में, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन तो थी, पर वो एक साथ के साथ वो एक बहुत बड़ी स्ट्रगलर भी थी, जिन्होंने स्ट्रगल किया था। और ट्रायम्फ का क्या मतलब होता है? ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना। उन्होंने स्ट्रगल किया था और वो जीती थी। किसके खिलाफ? इन अ टाइम, वो उस टाइम में जीती जिस टाइम में एक बहुत तगड़ा प्रिजुडिस होता था नेटिव अमेरिकन कल्चर और वुमेन्स के खिलाफ। प्रिजुडिस क्या होता है भाई? प्रिजुडिस होता है किसी कम्युनिटी या कुछ सेट ऑफ पीपल के बारे में हम पहले से एक थॉट प्रोसेस जो बना के चलते हैं कि भाई ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो ऐसा तो होगा ही होगा। जैसे यार मैं बनिया हूँ, हम बनियों के बारे में एक प्रिजुडिस है, हर किसी को पता है कि बनिए कंजूस होते हैं। हम चाहे कितने ही खुले दिल से खर्च ले, पर हमारे ऊपर एक प्रिजुडिस, हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि बनिया है तो कंजूस होगा या फिर अकाउंट्स में बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ही उस टाइम में नेटिव अमेरिकन कल्चर यानी कि वो जो लोग अमेरिका में बॉर्न हुए थे पर थे किसी और कल्चर से, जैसे कि ये इंडियन कल्चर से बिलोंग करती थी हमारी राइटर, और वुमेन के खिलाफ, वुमेन के खिलाफ भी बहुत तगड़ा एक प्रिजुडिस हुआ करता था कि भाई वुमेन हो तो तुम खाना बनाओगी, तुम कुछ करोगी नहीं, ऐसे प्रिजुडिस हुआ करते थे। तो वो उस टाइम की काफ़ी बड़ी स्ट्रगल थी और जीती भी थी उस स्ट्रगल में, ट्रायम्फ करा था उन्होंने। एज अ राइटर शी अडॉप्टेड पेन नेम जितकला सा। पेन नेम क्या होता है भाई? राइटर्स ना अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक छोटा सा नाम ले लेते हैं, बड़ा नाम होता है तो उसको छुपाने के लिए छोटा सा एक नाम ले लेते हैं। जैसे अक्षय कुमार, अगर आपको पता है उनका रियल नाम नहीं है, उनका रियल नाम कुछ और है, तो उन्होंने ऐसे अपना एक पेन नेम ले लिया था जितकला सा। एंड इन 1900 बिगैन पब्लिशिंग आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग कैसले इंडियन स्कूल। और 1900 के ईयर्स के अराउंड उन्होंने भाई आर्टिकल्स पब्लिश करने चालू कर दिए कैसले पब्लिक स्कूल
इंडियन स्कूल, सॉरी पब्लिक नहीं, इंडियन स्कूल के खिलाफ। कैसल इंडियन स्कूल वो है जिसमें वो पढ़ती थी, और उसी के बारे में भी हम कहानी पढ़ने वाले हैं। हर वर्क्स वर क्रिटिसाइज डॉगमा। मतलब उन वो जो काम लिखती थी वो डॉगमा को क्रिटिसाइज करते हुए लिखती थी, डॉगमा के खिलाफ लिखती थी। डॉगमा क्या होता है भाई? डॉगमा हम लोगों का बिलीफ को कहते हैं जिसमें हमें जो हमारे बड़ों या फिर किसी अथॉरिटी ने कह दिया हम उसको अंधाधुन बिलीव करते हैं बिना उसके खिलाफ या बिना उसके बारे में सोचे हुए। जैसे यार देखो, पुराने टाइम में अगर हम प्री ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो एक डॉगमा था क्या कि अगर पति की डेथ हो जाए तो औरत को उसकी लाश की जब आग लगाई जाती थी उनकी बॉडी में, तो औरत को उनकी वाइफ को उस आग में जाके खुद भी अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा, पति के बिना जो औरत है वो जिंदा नहीं रह सकती। तो ये डॉगमा था उस टाइम का, उनका एक प्रिंसिपल था जो बड़े बूढ़े देते आ रहे थे, कहते आ रहे थे उन्हें करने को, पर ना उन्होंने कभी उसके खिलाफ बोला और ना उनके पास कोई लॉजिक था ऐसा ऐसी एक प्रथा को फॉलो करने का। तो इसी तरीके से उनके टाइम में, जितकला सा के टाइम में भाई बहुत डॉगमास होते थे और उन डॉगमास के खिलाफ लिखा करती थी। एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वूमेन वॉज डेडिकेटेड अगेंस्ट द ईवल ऑफ ऑपरेशन। और उनकी लाइफ भाई पूरी डेडिकेटेड थी ईवल ऑफ ऑपरेशन के अगेंस्ट। ऑपरेशन भाई क्योंकि वो नेटिव अमेरिकन थी, इंडियन कल्चर से बिलोंग करती थी, पैदा अमेरिका में ही हुई थी, तो उनकी स्किन को लेके, उनके रिलीजन को लेके लोग उनको ऑप्रेस किया करते थे, उसके खिलाफ उनकी लाइफ डेडिकेटेड थी। तो अब आ जाओ मेन चैप्टर से स्टार्ट करते हुए, मैंने बहुत सारी फोटोज भी लगा रखी हैं समझाने के लिए चीज़ों को। तो सबसे अब हम एक्चुअल में उनका लिखा हुआ काम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। लैंड ऑफ एप्पल्स किसे कहा गया? लैंड ऑफ एप्पल्स कहा गया पेंसिल्वेनिया को, क्योंकि जो उनका स्कूल था वो पेंसिल्वेनिया में लोकेटेड था जो कि अमेरिका का एक स्टेट है। वॉज अ बिटर कोल्ड वन। मतलब वो उनका उस स्कूल में, जिस स्कूल में वो आई हैं, उनका वहाँ पे पहली बार तो फर्स्ट डे था, पहला ही दिन था, और वो थोड़ा बिटर कोल्ड था। मतलब ठंड थी, और ठंड थोड़ी वो कहना चाह रहे हैं नेगेटिव वे में थी, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, बड़ी नेगेटिव एक्सपीरियंस था उस ठंड का। For the snow still covering the ground and the trees were bare. मतलब जो स्नो थी उसने कुछ इस फोटो की तरह, स्नो ने भाई पूरी ग्राउंड को कवर कर रखा था और ट्रीज बेयर थे। बेयर होने का क्या मतलब है? बेयर होने का मतलब भाई उनकी पत्तियां वत्तियां जड़ी हुई थी, स्नो उनके ऊपर लगी हुई थी। तो कुछ इस तरीके का सीन था। अब आगे क्या हुआ? अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट। एक बड़ी सी बेल बजी नाश्ते के लिए। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्राई ओवरहेड। बेलफ्राई क्या होता है? बेलफ्राई होता है भाई ये जो, जिसको हम हिंदी में घंटाघर कहते हैं, और ये जो आप देख रहे हो इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर है जिस किसी का भी कह लो कॉन्क्रीट वगैरह का, उसको हम कहते हैं ओवरहेड। तो जो बेलफ्राई का ओवरहेड था उससे एक बहुत तेज आवाज आई एंड इंटू, एक सेकेंड लाइन पे आते हैं, हाँ, एंड इंटू अवर सेंसिटिव ईयर्स। और वो बहुत तेज आवाज़ आके सीधा हमारे सेंसिटिव ईयर्स में आई। सेंसिटिव ईयर्स यहाँ पे इंडिकेट करना चाहते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे ही थे यार, उनके ईयर्स, उनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव थी। द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर गेव अस नो पीस। और आवाज़ आ रही थी अनोइंग क्लैटर की, आवाज आ रही थी बेयर यानी नंगे फ्लोर पे, आवाजें आ रही थी शूज की, मतलब जो आपके स्कूल शूज नहीं होते, यूनिफॉर्म वाले शूज होते हैं वैसे शूज पहने हुए थे वहां के बच्चों ने, और वो ठक 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 ऐसे आवाज कर रहे थे। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग मेड द बेड लैम्प विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। भाई अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है? द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस, मतलब बार बार एक क्लैश हो रही थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे बहुत जोर जोर की, हार्श नॉइसेस आ रही थी। विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग, मतलब साथ के साथ बार बार वेव्स आ रही थी वॉइसेस, बहुत आवाज़ों की जो कि मर्मर कर रहे थे। मर्मर मतलब गुपचुप गुपचुप, मतलब बोलना, कुछ कुछ बोलना जो आपको समझ नहीं आता, ऑफ एन अननोन टंग। अब यहाँ पे अननोन टंग क्या इंडिकेट करता है? अननोन टंग इंडिकेट करता है कि भाई जो भाषा वो बोल रहे थे, शायद वो इंग्लिश ही बोल रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली वो इंग्लिश ही बोल रहे थे, वो ऑथर को नहीं आती थी, वो ऑथर के लिए भाषा अननोन थी। कौन सी भाषा बोल रहे थे अभी वो हम आगे भी पढ़ लेंगे। मेड अ बेड लैम्प
विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। मतलब ये सारी जो वॉइसिस थी और ये अननोन टंग में लोग आपस में बातें कर रहे थे और शोर मचा रहे थे, उन्होंने एक बेड लैम बना दिया था। बेड लैम क्या होता है? बेड लैम होता है मैड हाउस, मतलब एक पागल खाने वाली फीलिंग आ रही थी, एक बहुत केओस था, बहुत अशांति थी। एक बेड लैम बना दिया था विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, जिसके अंदर मैं बिल्कुल सिक्योरली टाइड थी। मतलब इस पागल खाने में, इस पागलपंथी में जो लड़की है यानी जितकला सा है, उसे बिल्कुल बांध दिया गया है, बहुत सिक्योरली, बहुत अच्छे से बांध दिया गया है ताकि वो उससे बिल्कुल निकल ना पाए। एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वॉज यूजलेस। मतलब उनका स्पिरिट जो है, जितकला सा का स्पिरिट मतलब आत्मा, उनकी आत्मा बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत दुख पा रही थी, उनके मन में बहुत दर्द था। क्यों? क्योंकि उनका जो उनकी फ्रीडम है वो लूज हो चुकी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो यार, ये थोड़ा मैं बुक से बाहर का बता रहा हूँ। जो जितकला साथी वो एक्चुअली में काफ़ी अपनी छोटी बचपन उन्होंने सारा अपनी मम्मी और अपनी ट्राइब में बिताया था, जिसमें वो बिल्कुल फ्री थी, वो जो चाहे कर सकती थी, उनका कल्चर उन्हें सिखाया गया था, वो उन्होंने कभी फॉर्मल स्कूलिंग अटेंड नहीं करी थी। तो इस फॉर्मल, इस तरीके के स्कूल में आके उनका सोल जो है, उनकी आत्मा जो है, वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ख़राब फील कर रही थी, क्योंकि उनका सारा जो फ्रीडम है वो जा चुका था। बट ऑल वॉज यूजलेस। सब कुछ जो उनका उनका हड़बड़ाना, उनका आपस में परेशान होना, आप अंदर से दुखी होना, वो सब कुछ बेकार था, क्योंकि भाई वो नहीं निकलने वाली थी इस सबसे। अब आगे आते हुए, अ पेल फेस वुमेन। पेल फेस का क्या मतलब है? मैंने पुरानी कई अपनी पोएम्स में भी बताया, पेल फेस का मतलब होता है भाई एक सुन्न ठंडा चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन के, विद वाइट हेयर। एक वुमेन आई जिसके बाल सफ़ेद थे और फेस पेल था, केम अप आफ्टर अस, मतलब उन्हें लेने के लिए आई। अब उन्हें लेने के बाद वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। उन्हें एक लाइन में डाल दिया गया जो कि जा रही थी लाइन पूरी डाइनिंग रूम की तरफ। दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये सब जो लड़कियां थी इस लाइन में, ये सब भी इंडियन ही थी। इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। स्टिफ शूज भाई इस तरीके के कुछ स्कूल के जूते, बिल्कुल स्टिफ टाइट शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। क्या हुआ भाई? टाइट ड्रेसेस कुछ इस तरीके की, जो कि लूज नहीं थी, कंफर्टेबल नहीं थी, टाइट ड्रेसेस थी, उनकी बॉडी से चिपकी हुई थी। स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रॉन्स एंड शिंगल्ड हेयर। जो छोटी छोटी लड़कियां थी, उन्होंने स्लीव्ड एप्रॉन्स पहने हुए थे। एप्रॉन कौन से होता है यार? एप्रॉन वो कपड़ा होता है जो आप पहनते हो जब आप खाने के लिए जाने वाले हो, अपने अपने कपड़ों को बचाने के लिए, और वो स्लीव्ड थे एप्रॉन्स। मतलब उस टाइम के अजीब सा ये डिज़ाइन, उस टाइम फैशन ही अलग हुआ करता था, तो उनके एप्रॉन स्लीव थे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे अब मेन चीज़ चालू होती है, शिंगल्ड हेयर्स। ये वर्ड भाई रट लेना, भूल मत जाना किसी भी कीमत पे। उन लड़कियों के शिंगल्ड हेयर्स थे। शिंगल्ड हेयर्स कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके के हेयर स्टाइल, मतलब कान तक बालों का कटा होना। अब हमारी मेन स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाली। एंड शिंगल्ड हेयर एज आई वॉक्ड नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मकैजन्स। मकैजन्स क्या होते हैं? मकैजन्स कुछ इस तरीके के जूते होते हैं भाई, बड़े क्यूट से, कंफर्टेबल से, सॉफ्ट से जूते होते हैं, जो बिल्कुल भी चलते हुए शोर नहीं करते। तो क्या कहती है ऑथर? एज आई वॉक्ड नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मकैजन, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, फॉर माई ब्लैंकेट हैज़ बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स। अब वो जैसे ही मकैजन्स में वो लाइन में चल रही थी, जो ऑथर थी वो फील कर रही थी सिंकिंग टू द फ्लोर। ये एक्चुअल में एक इडियम है, मुहावरा है। सिंकिंग टू द फ्लोर का मतलब होता है कि बिल्कुल होपलेस हो जाना, बिल्कुल डिसअपॉइंट, बहुत निराश हो जाना, और ऐसा फील करना कि यार बस मैं रुक के रोने लग जाऊं। क्यों ऐसा वो फील कर रही थी? फॉर माई ब्लैंकेट हैज़ बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, क्योंकि ऑथर का ब्लैंकेट जो है उनके शोल्डर से स्ट्रिप कर लिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। ब्लैंकेट यहाँ पे कंबल को नहीं कहना चाहते, ब्लैंकेट यहाँ पे कहना चाहते कुछ इस तरीके का कपड़े को, जो कि उस टाइम के कल्चर में पहना जाता था एज अ रिलीजियस सिंबल, एज अ सिंबल अपने कल्चर को, अपने ट्राइब को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो ऑथर से छीन लिया गया था, इस वजह से बहुत होपलेस, डिसअपॉइंटेड और बुरा फील कर रही थी। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स who seemed not to care that they were
वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस देन आई। और जो ऑथर थी वो दूसरी इंडियन गर्ल्स को बहुत जजमेंटल लुक दे रही थी, बहुत हार्ड बड़ी गंदी लुक्स दे रही थी। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनकी जो ड्रेसिंग है वो मेरे से भी ज्यादा, ऑथर से भी ज्यादा इमोडेस्ट, यानी गंदी सी, पता नहीं अजीब सी, मतलब ऑथर की नजर में अजीब सी ही उन्होंने ड्रेसिंग पहन रखी थी। इमोडेस्टली ड्रेस देन आए इन देर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, मतलब क्लोथ्स, मतलब वही जो हमने अभी पढ़ा था क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, मतलब वो इमोडेस्ट लग रही थी, बहुत अजीब सी लग रही थी इतने टाइट कपड़ों में। वाइल वी मार्च इन, जैसे ही उन्होंने डाइनिंग रूम में मार्च इन किया, मतलब घुसे, द बॉयज एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, मतलब बॉयज घुसे उस रूम में एक दूसरे दरवाजे से। आई वॉच फॉर द थ्री यंग ब्रेव्स हु केम टू इन अवर पार्टी, मतलब बहुत सारे लड़के घुसे पर जो ऑथर है उनकी, उसकी नज़र तीन ब्रेव लड़कों पे गई। क्यों वो लड़के ब्रेव हैं? क्योंकि वो भी ऑथर की तरह ही नए लड़के हैं और उन्होंने भी एक नॉर्मल, एक इंसानों वाला ड्रेसिंग सेंस पहना हुआ है। उनके कपड़े ऐसे नहीं है जैसे कि यहाँ के बच्चों के अजीब अजीब से एक स्टैंडर्डाइज क्लोथ्स हैं। हु केम इन अवर पार्टी, इन अवर पार्टी मतलब भाई वो हमारी जो सारी डाइनिंग में हम सब आ रहे थे हमारी पार्टी में, वो भी नए नए थे, मतलब वो भी स्कूल में बिल्कुल नए एडमिट लग रहे थे। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स, स्पाइड का मतलब देखा, उस ऑथर यहाँ पे क्या कह रही है, मैंने उनको पीछे मुड़ के देखा। रियर रैंक्स का मतलब है कि वो लड़के जो है पीछे खड़े हुए थे वो तीन लड़के, और ऑथर ने उनको देखा। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, और वो भी इतने ही अनकंफर्टेबल लग रहे थे, उतने ही अनकंफर्टेबल दिख रहे थे जितना कि मैं फील कर रही थी। तो मतलब उन लड़कों के लिए भी बड़ा यहाँ पे आना नया था और बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस, उनको भी बहुत ख़राब लग रहा था। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड एंड ईच ऑफ द प्यूपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, एक छोटी सी बेल बजी और प्यूपल्स यानी बच्चों ने चेयर निकाल दी टेबल के अंदर से, मतलब टेबल के अंदर, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं टेबल के अंदर नीचे चेयर घुसी हुई होती है, वैसे ही चेयर घुसी हुई थी, उन्होंने निकाल दी। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड, आई पुल्ड आउट माई माइंड एंड एट वंस स्लिप्ड इन टू इट फ्रॉम वन साइड, मतलब ये सोच के ऑथर को ये लगा कि शायद इसका मतलब है कि भाई चेयर निकालो और बैठ जाओ, तो ऑथर ने क्या किया, चेयर निकाली और वो स्लिप कर गई यानी बैठ गई एक साइड से चेयर की, शायद चेयर कुछ इस तरीके की थी और रैदर देन कि वो इस डायरेक्शन में बैठे वो बस ऐसे साइड से आई और ऐसे बैठ गई उस चेयर पे। बट अब यहाँ पे कुछ अजीब सा ही होगा, बट व्हेन आई टर्न्ड अराउंड माय हेड आई सॉ दैट आई वाज द ओनली वन सीटेड एंड ऑल द रेस्ट एट अवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग। अब ऑथर ने जब बैठने के बाद आगे पीछे देखा तो भाई उसने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ मैं ही बैठी हुई हूँ, बाकी सारे तो खड़े ही हुए थे। जस्ट एज आई बिगैन टू राइज, जैसे ही ऑथर ने खड़ा होना चालू किया सबको खड़ा देख के, लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर वॉज टू बी यूज, मतलब ऑथर को बहुत शर्म आई ये देख के कि चेयर को कैसे यूज़ करना था, सब कैसे यूज़ कर रहे हैं और मैंने कैसे यूज़ कर दिया, मैं फटाफट से बैठ गई और अभी तो सारे खड़े हुए हैं। अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, जैसे ही वो खड़ी हो रही थी शर्म से एक दूसरी बेल बजी, ऑल वर सीटेड एट लास्ट एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन। जैसे ही वो सेकेंड बेल बजी, वो बीच में खड़ी हो रही थी, दूसरी बेल बजी, सारे एकदम से बैठ गए और फिर ऑथर और ज़्यादा एम्बैरस हुई और उसे शर्म सी आई और फिर वो दोबारा बैठ गई, जैसे हम लोगों के लिए यार होता है बहुत बारी एम्बैरसिंग सी जो मूवमेंट्स होती हैं स्कूल में होती रहती हैं, वैसे ही एम्बैरसिंग सी मूवमेंट ऑथर को लगी, पर वो उसके दिल पर बहुत ज़्यादा हर्ट करी। I heard a man's voice at the end of the hall, और उसने एक आदमी की voice सुनी हॉल के दूसरी बिल्कुल एक कोने की तरफ, शायद हेड मास्टर या कोई हेड टीचर कुछ प्रेयर या कुछ बोल रहा था, हमें नहीं पता क्या बोल रहे थे वो। एंड आई लुकड अराउंड टू सी हिम, और ऑथर आगे पीछे देख रही थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन आदमी है, बट ऑल अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स। अब ये हंग देयर हेड्स का मतलब भी यही एक मुहावरा है, एक idiom है, मतलब उन बच्चों ने अपना जो चेहरा है, जैसे यहाँ पे प्लेट रखी हुई है और वो अपना चेहरा थोड़ा झुका के, ये उनका चेहरा है, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, और वो अपना चेहरा थोड़ा नीचे करके, जैसे शर्मिंदगी में अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं, उन्होंने अपना चेहरा नीचे करके वो अपनी प्लेट्स को देख रहे थे। वो शर्मिंदा तो नहीं थे पर उन्हें यही सिखाया गया है, ऐसा करना ही उन्हें सिखाया गया है। एज आई ग्लैंस्ड एट द लॉन्ग
चेन ऑफ टेबल्स, ग्लैंस का मतलब होता है लुक करना, देखना। जैसे ही उसने देखा कि बहुत सारी लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स थी, जैसे आपने हैरी पॉटर में भी देखा होगा यार, शायद ये कुछ बहुत बड़ा सा डाइनिंग हॉल था जिसमें बहुत सारी टेबल्स अटैच थी एक दूसरे से। तो एज आई ग्लैंस एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल, आई कॉट द आईज ऑफ अ पेल फेस वुमेन अपॉन मी। उसने, ऑथर ने नोटिस किया कि एक पेल फेस, अगेन पेल फेस मतलब कोई इमोशनलेस ठंडे चेहरे की एक औरत की आंखें उस ऑथर के ऊपर थी। इमीजिएटली आई ड्रॉप माई आईज वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाई द स्ट्रेंज वुमेन। मतलब ऑथर ने जैसे ही उसकी उसकी नज़रें नोटिस करी, ऑथर ने अपना सर झुका लिया, और ऑथर दोबारा यहाँ एम्बेरस फील कर रही है, थोड़ा उसे अजीब सा लग रहा है, अनकंफर्टेबल सा लग रहा है कि ये पेल फेस औरत मेरे को इतनी गंदी, इतनी नफरत भरी स्ट्रिक्ट आंखों से क्यों देख रही है। अब आगे क्या है, द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड। मतलब उस मैन ने, जो आदमी बोल रहा था, उसने बोलना बंद कर दिया और एक तीसरी बेल बची। अब आगे पढ़ते हैं, एक सेकेंड यार, हाँ, एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉक एंड बिगेन ईटिंग। मतलब जैसे ही तीसरी बेल बजी, सबने अपने नाइफ फॉक उठाए और खाना चालू भी कर दिया। आई बिगैन क्राइंग इंस्टेड, फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। अब यहाँ पे ऑथर के लिए सबसे ह्यूमिलिटी मोमेंट आई कि भाई सब खाना चालू कर दिया, पर ऑथर ने रोना चालू कर दिया। क्यों? सुबह से इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी एम्बेरसमेंट ऑथर फील कर रही थी। कभी कोई औरत उसे देख रही है गंदी नज़रों से, कभी कभी वो बेल्स को समझ नहीं पा रही, तो ऑथर इतनी एम्बेरस फील कर चुकी थी कि भाई उसने खाना स्टार्ट नहीं किया, वो रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी एम्बेरसमेंट और इतनी गंदी फीलिंग इकट्ठी हो गई थी कि उसको लगा भाई अब रोने के अलावा उस वो कुछ और कर ही नहीं सकती थी। आई कैन नॉट, आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग एल्स। मैं कुछ और करने का सोच भी नहीं सकती थी, शायद मैं फिर कुछ ना बेवकूफ़ी करके अपने आप को एम्बेरस कर लूँ। अब यहाँ पे हमारी मेन 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 चीज़ स्टार्ट होती है। हम पीछे वाले पेज पे क्यों आ गए? हाँ, बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट हार्डेस्ट ट्रायल ऑफ दैट फर्स्ट डे। मतलब पर ये पहले दिन का ये जो अजीब सा खाने का तरीका था उनका, बेल और ऐसे फॉलो करना, ये तरीका सबसे गंदा चीज़ नहीं थी पूरे दिन की। अब हम पढ़ेंगे सबसे गंदी चीज़ क्या हुई पूरे दिन में। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरेबल वार्निंग। जुडविन टोल्ड टू न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश एंड शी ओवरहर्ड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट द कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर। मतलब जुडविन ने बताया ऑथर को कि उसको, क्योंकि जुडविन को थोड़े न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, वो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश जानती थी, तो यानी अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पे हर कोई इंग्लिश बोल रहा था और ऑथर को इंग्लिश नहीं आती थी। और उसने क्या सुना, शी हैड ओवरहर्ड, उसने अपना कान लगा के सुना चुपके से पेल फेस वूमेन, जो पेल फेस वूमेन थी, उसको बात करते हुए किस बारे में, कि भाई इन लड़कियों के, नई लड़कियों के जो लंबे और हैवी बाल हैं उनको काटने के लिए। अब यहाँ पे मेन चीज़ चालू होती है, आवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स। ये लाइन्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये लाइन सबसे ज़्यादा आती हैं एग्जाम में। जो ऑथर है और ज्यूडविन है, उनकी इन सब ट्राइब की लड़कियों की मम्मी ने इन्हें बताया है कि छोटे बाल सिर्फ अनस्किल्ड वॉरियर्स, वो योद्धा है जिनको कुछ आता ही नहीं, वो हुवर कैप्चर्ड एंड देर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी, जिनको कैप्चर कर लेते थे एनिमी और उनके हुवर कैप्चर हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी। उनको कैप्चर कर लेते थे जो योद्धा जिन्हें कुछ नहीं आता था, एनिमी के द्वारा कैप्चर कर लिए जाते थे और उनके बाल काट दिए जाते थे, उन लोगों के बाल कटे हुए होते थे। अमंग अवर पीपल, मतलब हमारी ट्राइब के लोगों में शॉर्ट हेयर्स वर वॉर्न बाय मॉर्नर्स। मॉर्नर्स वो होते हैं जो जो कि किसी की जब डेथ होती है तो वहाँ पर जाके रोते हैं। शॉर्ट हेयर यानी गले तक के बाल मॉर्नर्स लेके रखते थे, और शिंगल्ड हेयर्स बाय कावर्ड्स। यहाँ पे अब मेन बात है, जो शिंगल्ड हेयर है, जो कान तक के बाल हैं जो मैंने पीछे फोटो दिखाई थी, वो सिर्फ कावर्ड्स, डरपोक, बुजदिल करते थे ऐसा हेयर स्टाइल। तो भाई अब आपको समझ में आ रहा है, ऑथर को बाल कटवाना, वो अपनी अपने कल्चर से बहुत कनेक्टेड थी और उसके लिए बाल कटवाना सबसे बड़ा बुजदली का एक एक्ट होता। वो उसको लगता है कि मतलब उसके लिए उसकी सारी डिग्निटी छीन ली जाती अगर उसके बाल काटे जाते, जो कि कटने भी वाले हैं क्योंकि हम पढ़ेंगे ये आगे। वी डिस्कस्ड अवर फेट
सम मोमेंट्स एंड व्हेन जुडविन सेड, मतलब उन्होंने डिस्कस किया अपना फेट, मतलब उनके साथ क्या होने वाला है। तो जुडविन ने कहा वी हैव टू सबमिट, सबमिट का मतलब होता है सरेंडर, मतलब इनके आगे हमें झुकना पड़ेगा बिकॉज दे आर स्ट्रांग। मतलब भाई जुडविन ने कहा, जुडविन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जुडविन उनके आगे आराम से झुक गए। जुडविन ने भाई ऑथर को कहा कि हमें सरेंडर करना पड़ेगा, हमें अपने बाल कटवाने पड़ेंगे क्योंकि ये स्ट्रांग हैं, ये सब स्ट्रांग हैं। ऑथर ने अब क्या कहा आगे, यार ये पीडीएफ फाइल में थोड़ी दिक्कत है, बार बार हम पीछे पेज पे चले जाते हैं। ऑथर ने क्या कहा, आई रिबेल्ड, मतलब जुडविन ने जब ये बात बोली तो मैंने रिबेल किया। रिबेल का मतलब क्या होता है, रिबेल का मतलब होता है उसके खिलाफ अपने एक्शन दिखाना, अपना एटीट्यूड दिखाना कि नहीं भाई मैं नहीं करवाऊंगी, तुझे करवाना करवा, पर मैं तो रिबेल करूंगी ही करूंगी, मैं इनकार करूंगी ही करूंगी। नो ऑथर अब यहाँ पे थोड़ी इमोशन स्ट्रिक्टली कहती है, नो आई विल नॉट सबमिट, एक्सक्लेमेशन मार्क है, नो आई विल नॉट सबमिट, मैं नहीं सरेंडर करूंगी, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, दोबारा एक्सक्लेमेशन मार्क, मैं पहले लड़ूंगी, मैं पहले अपने लिए स्टैंड लूंगी अपने बाल कटवाने से पहले, आई आंसर्ड ऑथर ने ये चीज बोली जुडविन को। आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड, मतलब ऑथर बस मौके का देख रही थी, मौका तलाश कर रही थी, आई वॉच्ड माई चांस और जैसे ही उसे मौका मिला वो भाग गई, वो गायब हो गई जब किसी ने नोटिस नहीं किया। I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. Author ने बहुत शांति से crept up, बहुत शांति से कोशिश करते हुए stairs के ऊपर वो गई और जितना शांति से हो सकती थी वो चल रही थी अपने squeaking shoes में। My moccasins had been exchanged for shoes. क्योंकि स्क्वीकिंग शूज़ कौन से हुए, वो जो अभी मैंने फोटो दिखाई थी वो टाइट वाले स्कूल यूनिफॉर्म वाले जूते, क्यों उन शूज़ में चल रही थी, क्योंकि सुबह सुबह उनके उसके ऑथर के मकैजन से वो शूज़ ले दे दिए गए थे और मकैजन्स ले लिए गए थे। अलॉन्ग द हॉल आई पास विदाउट नोइंग विटर आई वॉज गोइंग, और वो हॉल में चल रही थी, विटर का मतलब है वियर, तो वो हॉल में चल रही थी और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, ऑथर को एक ओपन डोर मिला और वो उसकी तरफ गई। आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ थ्री वाइट बेड्स इन इट, ऑथर उस रूम में घुसी तो उसने देखा एक बड़ा सा रूम था जिसमें तीन सफ़ेद चद्दर के बेड्स थे। द विंडोज़ वर कवर्ड विद द डार्क ग्रीन कर्टेंस, जो विंडोज़ थी वो डार्क ग्रीन पर्दों से ढकी हुई थी, विच मेड द रूम वेरी डिम, जो रूम को काफ़ी अंधेरा भर दिया, रूम में अंधेरे वाला रूम था। थैंकफुल नो वन वॉज देयर, एंड वो खुश थी कि चलो यहाँ कोई है ही नहीं। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, ऑथर ने बिल्कुल एक ऐसे कॉर्नर में जा चली गई जो कि डोर से सबसे दूर हो। ऑन माई हैंड एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, मतलब वो अपने पैर और अपने अपने हाथों पे क्रॉल करी, मतलब चली और अपने आप को छुपा लिया सबसे डार्क कॉर्नर में रूम के, जैसे कि इस फोटो में हमें दिखाई रखा है। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पीयर्ड आउट शडरिंग विद फियर व्हेनेवर आई हर्ड फुटस्टेप्स नियर बाय, मतलब भाई यहाँ पे जहाँ पे वो छुपी हुई थी वो बार बार झांक रही थी, बार बार देख रही थी बाहर की तरफ, और जब भी उसे शडरिंग मतलब बहुत शिवर कर रही थी जब भी उसे किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे रूम के आसपास से निकलते हुए, उसे लगा शायद उसे ही ढूंढ ना ले। यार ये चीज़ मेरे साथ बचपन में हुई, आपको पता होना हो, जब मेरे पेरेंट्स मेरे को मारने के लिए आते तो मैं छुप जाता था, और भाई ऐसा ऑथर की फीलिंग मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि जब भी भाई फुट से बाहर से निकलते थे ऐसा लगता था बस यार ढूंढ ही लिया, बस अब तो मैं गया, अब तो बस ख़त्म हूँ मैं। दो हमारा यहाँ ये पहले मैं निकाल लूँ। दो In the hall, loud voices were calling my name and I knew Jodwin, even Jodwin. आगे की लाइन आगे पेज पे है हमारी। And I knew Jodwin was searching for me. I did not open my mouth to answer. मतलब ऑथर ने कहा कि भाई मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो कि मेरा नाम बुला रही थी और जुडविन भी मेरे लिए तलाश कर रही थी, पर मैंने अपना मुँह नहीं खुला, मैं शांति से वहाँ चुपके से हाइड करती रही। Then the steps were quickened and the voices became excited. मतलब जब नहीं मिल रही थी ऑथर लोगों को तो भाई लोग और तेज़ी से ढूंढने लगे, उन्हें लगा भाई कहाँ गई कहाँ खो गई, और वॉइस और तेज हो गई।
द साउंड केम नियरर एंड नियरर, जो आवाज़ें थी वो ऑथर के पास और पास पहुंचती जा रही थी। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच डेम ओपन क्लोज़ डोर्स। मतलब वुमेन और लड़कियां उस रूम में घुसी जिसमें ऑथर छुपी हुई थी। ऑथर ने अपना मुंह अपने हाथ से बिल्कुल रोक लिया, अपनी आवाज़ जो है, अपनी ब्रेथ जो है, अपने हाथ से कवर कर लिया अपने मुंह को, एंड वॉच डेम, उन औरतों को, उन लड़कियों को देखा क्लोज़ डोर्स खोलते हुए। क्लोज़ क्या होता है? क्लोज़ भाई वो अलमारी होती है जिसमें हम अपने कपड़े रखते हैं। उनको उसने देखा क्लोज़ का डोर खोलते हुए एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, जो लार्ज ट्रंक्स थे उनके पीछे ढूंढते हुए। ट्रंक्स क्या होते हैं? ट्रंक्स भाई ये एक तरीके का, ये जो सूटकेस है, बड़ा सा सूटकेस वहाँ पे रखे हुए थे रूम में, उनके पीछे वो ढूंढ रहे थे क्लोज़ डोर्स, वो खोल के देख रहे थे छुपी कहाँ है ये लड़की। समवन थ्रू अप द कर्टन्स, किसी ने कर्टन्स खोल दिए एंड द रूम वॉज फिल्ड विद अ सडन लाइट, और रूम में एकदम बहुत तेज रोशनी हो गई। वट कॉज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, आई डो नॉट नो। मतलब भाई अब किसी ना किसी ने ढूंढ ही डाला आखिरी में ऑथर को। ऑथर यहाँ पे क्या कहती है? मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ कि वो लोग झुके और उन्होंने बेड के अंदर देख लिया। आई रिमेंबर्ड बींग ड्रैग्ड आउट, मतलब अब ऑथर को ये जो लोग हैं ये ड्रैग कर रहे हैं। ड्रैग मतलब खींचना, खींच कैसे रहे थे? बालों से खींच रहे थे, कपड़ों से खींच रहे थे, ये ऑथर ने हमें नहीं बताया, पर ऑथर को ये जरूर याद है कि उसे खींचा जा रहा था। दो, I resisted by kicking and scratching wildly. ऑथर ने रिजिस्ट किया अपने बाल कटवाने के लिए जोर जोर की लातें चला के और नाखून मार के। In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. मतलब इस सब के बावजूद भी मेरे को नीचे स्टेयर्स के, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे ले जाया गया और मुझे जल्दी से एक चेयर पे बांध दिया गया। अब देखो यहाँ पे हमें मेन इस चैप्टर का हमें मेन चीज़ दिखती है। ऑल्दो हमें पीछे भी एक वर्ड दिखा था जिसमें ऑथर कहती थी कि जुडविन ने जब बताया कि भाई सरेंडर कर दो, ऑथर ने क्या कहा? आई रिबेल्ड। और यहाँ पे भी ऑथर रिबेल कर रही है, मतलब ऑथर बहुत रिबेलियस है। रिबेलियस का मैंने मतलब बताया भी, वो इंसान जो झुकता नहीं है जल्दी से आगे, जो जल्दी से सरेंडर नहीं करता, जो अपनी वैल्यूज और अपने मॉरल्स सिखाए हुए उनके लिए स्टैंड लेता है। ऑथर कुछ इस तरीके की इंसान थी और तभी वो शायद इतनी महान महान राइटर और इतनी फेमस राइटर और एक्टिविस्ट बनी हमारे हमारे उस टाइम के टाइम में। क्यों? क्योंकि वो रिबेलियस थी और वो अपने कल्चर और अपनी मदर की सिखाई हुई बातों के लिए स्टैंड ले रही थी। आखिरी पैराग्राफ में आई क्राइड अलाउड शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, मतलब ऑथर बहुत जोर की रोई और अपना सर जो है वो जोर जोर की हिला रही थी। अनटिल, तब तक उसने ऐसा किया, आई फेल्ट कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक। ऑथर ने जैसे फील किया कि कोल्ड ब्लेड्स मतलब मर्सीलेस ब्लेड, वो नुकसान पहुंचाने वाली सीजर्स की ब्लेड्स उसकी नेक के पास आई। एंड हर्ड देम ग्नो ऑफ वन ऑफ माय थिक ब्रैड्स, उसने फील किया, उसने सुना कि एक खच की आवाज़ जिससे उसकी एक चोटी गिर गई, ग्नो ऑफ हो गई, कट गई, गिर गई उसकी एक चोटी। देन आई लॉस्ट माय स्पिरिट, अब ऑथर ने यहाँ पे अपना स्पिरिट, अपनी आत्मा, अपने आप को बेसिकली ऑथर ने यहाँ पे, जैसे ही उसने ये खच की आवाज़ सुनी, ऑथर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज। जब से, अब यहाँ पे हम दोबारा हमारी बुक से बाहर की स्टोरी है, ऑथर को उसकी ट्राइब से, उसकी मम्मी से दूर ले जाके स्कूल में लाया गया। ऑथर कहती है, जब से मुझे उस टाइम से लेके आज तक मैंने सिर्फ इनडिग्निटीज को सफ़र किया है। इनडिग्निटी मतलब वो चीज़ें जो ऑथर को शर्मिंदा फील करवाएं, जैसे कि ये बाल काटना। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, पीपल, लोगों ने उसको अजीब नज़रों से देखा, जैसे अगर आप कोई अलग सा इंसान होता है दिखने में, कोई अलग से चीज़ होती है दिखने में, उसे स्टेयर करते हैं लोग। हम इंडियंस में तो बहुत ही ज़्यादा आदत होती है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं मैं कैसा दिखता हूँ तो आपको पता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है यार, मैं पब्लिक में जाता हूँ लोग स्टेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि मैं अलग दिखता हूँ। तो इसी तरीके से लोग उसे स्टेयर करते थे, क्यों? क्योंकि वो इंडियन थी। आई हैड बिन टॉस्ड अबाउट इन एयर लाइक अ वुडन पपेट, वुडन पपेट मतलब लकड़ी की जो गुड़िया होती है उसकी तरह ऑथर को
मतलब ऑथर अपनी अपनी सफरिंग, अपनी इंडिग्निटी बता सिग्निफाई करना चाहती है इस लाइन से, कि उसको ऐसा लगता है जैसे उसको एक गुड़िया की तरह हवा में फेंका जा रहा है, उसके साथ खेला जा रहा है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कावर्ड। अब ऑथर यहाँ पे बस अपनी अपनी जो उसकी फाइनल जो उसका दुख है वो यहाँ पे बताना चाहती है, कि अब आखिर में इतना मेरे साथ खिलवाड़ होने के बाद मेरे बालों को काट दिया गया, जैसे कि टर्पो को, जैसे उसकी मम्मी ने उसे सिखाया था कि टर्पो बुजदिल लोग कटवा के रखते हैं। इन माई एंगुश, मतलब एंगुश का मतलब होता है दुख, बहुत ज़्यादा दर्द। आई मॉन्ड फॉर माई मदर, मॉन्ड मतलब रोई, वो अपनी मम्मी के लिए रोई, बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, मतलब कोई भी नहीं आया मुझको मुझको शांत कराने के लिए, मेरे को अच्छा फील कराने के लिए। नॉट अ सोल रीजन्ड क्वाइटली विद मी एज माई ओन मदर यूज टू डू, एक एक इंसान नहीं आया मेरे को समझाने के लिए, मेरे को शांत करने के लिए, जैसे कि मेरी मम्मी करा करती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर, मतलब अब मैं उन छोटे छोटे जानवरों की तरह बन चुकी थी, मैं उन जानवरों के झुंड में इकट्ठा हो चुकी थी जो कि हर्डर के द्वारा, हर्डर कौन होता है, हर्डर वो इंसान होता है जो जो जानवरों को, भेड़ों के या फिर किसी भी जानवरों के झुंड को केयर करता है, उनको गाइड करता है, उनको डंडियों से मार के उनको चलाता है जिस डायरेक्शन में वो चलाने जाता है। तो ऑथर यहाँ पे एंडिंग लाइन में यही कहती है कि मेरे को भी अब मैं उस झुंड का हिस्सा बन चुकी थी जो कि एक हर्डर के द्वारा यानी इन स्कूल के द्वारा चलाया जाता। तो भाई यहाँ पे अब हमारी ख़त्म होती है कहानी। अब अगली कहानी जो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, वो हम करेंगे अगली वीडियो में। इस वाली कहानी के और इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं वो आपको उसके पीडीएफ का लो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।